आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में हरियाली वैसे तो चारों तरफ दिखाई देती है, हरियाली कुछ जगहों पर कंक्रीट जंगल बनने के कारण हरियाली काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इसके बाद भी सिवनी शहर में एक जगह ऐसी है, वह मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पास भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की सोसाइटी के द्वारा जहां मकान बनाए गए हैं स्टेट बैंक कॉलोनी, वहां पर हरियाली के बीच पक्षियों का कलरव देखते ही बनता है। इसके अलावा सिवनी में कुछ जगह और हैं जहां हरियाली है और हरियाली के साथ ही साथ वहां तरह तरह के विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, वे आते जाते हैं। इस संबंध में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की एक विशेष रिपोर्ट आप देखिए, सुनिए आप। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आज आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आई है। ये हमारा और हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि हम में से बहुत लोगों के आसपास हरे भरे छोटे बड़े सब प्रकार के पेड़ पौधे वो वनस्पतियां हैं और हम एक प्राकृतिक हरियाली के बीच निवास करते हैं। हमें ये पेड़ पौधे अच्छे भी लगते हैं और इन्हें हम पालते पोसते भी रहते हैं, जो निहायत जरूरी भी है। लेकिन कम ही लोग होते हैं जो इन प्राकृतिक गुलदस्तों पर आने वाले पंछियों पर ध्यान लगाते हों। जी हाँ, कभी गौर से देखिए इन पेड़ों पर आने वाले और हमारे आसपास विचरण करते इन पंछियों को। अगर आप ध्यान देंगे तो आप इनसे भी प्यार करने लगेंगे। इनका टहनियों पर फुदकना, इनकी सुरीली आवाजें, इनकी खूबसूरत रंग आपका मन मोह लेंगे। ऐसे ही एक प्राकृतिक प्रेमी है सिवनी शहर में डालडा फैक्ट्री के पास रहने वाले औषधि विक्रेता नितिन कोनहेर, जिन्होंने अपने घर के आसपास एक छोटा सा व्यवस्थित हरा भरा इलाका विकसित कर रखा है और इन पेड़ों पर आने वाले पक्षियों की मधुर आवाजों से ये क्षेत्र गुंजायमान होता रहता है। स्वाभाविक भी है, जहां पेड़ रहेंगे वहां पंछी तो आएंगे ही। नितिन के अनुज सचिन कोनहेर के पुत्र साकेत कोनहेर को पक्षियों की हरकतें कैमरे में कैद करने का शौक है और वे पक्षियों के लिए सुरक्षित दूरी से पक्षियों को बिना परेशान किए इनका चित्रण करते हैं। इस फुटेज में आप जिस पक्षी को देख रहे हैं इसे ग्रे हॉर्नबिल कहा जाता है। ग्रे हॉर्नबिल का मतलब है ग्रे इसका रंग है, हॉर्न यानी होता है सींग, बिल यानी होता है चोंच। ग्रे हॉर्नबिल यानी ग्रे कलर का एक ऐसा पक्षी जिसकी चोंच सींग के आकार की होती है। हमारे आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में इसे धनेश या धन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि जब ये उड़ान भरते हैं तो धन यानी प्लस का चिन्ह बन जाता है। समूहों में रहने वाला ये पक्षी कनेर, बरगद, पीपल, गूलर आदि चाव से खाता है। कोनहेर परिवार के इस हरे भरे आवासीय क्षेत्र में अनेक पक्षी भी अपना बसेरा बनाते हैं और ये परिवार उनके किसी कार्य में दखल नहीं देता, बाधा नहीं डालता। इस नेक कार्य से कुछ प्रेरणा लेकर हमें भी पंछियों से प्यार करके उनका ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट सिवनी के डालडा फैक्ट्री के पास निवास करने वाले दवा विक्रेता
श्री गुरुदेव मेडिकल स्टोर के संचालक कुनहेर परिवार के घर की थी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार।